गाइस इधर आ गुड़िया, ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है और नाम है रिया। तो दोस्तों को नमस्ते बोलो बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। और ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है, बहुत ही शैतान है। अभी अभी तो पीछे जो भैंस का बच्चा दिख रहा है ना, उसको छेड़ने में लगा हुआ था। तो गाइस मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताता रहूंगा, आप लोग बने रहिए बस। हे गाइस वेलकम। तो अब मैं लिया हूँ नहा, और नहा के बस बालों में तेल लगाना है, बस कपड़े मैंने रेडी कर रखे हैं और निकलता हूँ और मिलता हूँ सीधा राजेंद्र के घर, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे वहीं पे जा रहे हैं। तो आ जाइए मेरे पीछे पीछे। हाँ तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ राजेंद्र के घर पे, और यो ओमवीर जाविया अपनी बाहें चढ़ा रहा है। अब तो भाई साहब यो बड़ा आदमी बन गया है, पहले तो अभी मेरे ख्याल वीडियो में आ जा रहा था। भाई इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा काम करता है, भगवान इसको तरक्की दे, मैं तो ऐसी काम ना करता हूँ। और ये जो पीछे देख रहे हो ना घर, ये है राजेंद्र का घर, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज सही मेरे साथ तो तैयार हुआ है कि ना हुआ पता ना, भाई हम तो तैयार होके आ गए हैं। जो उसका घर है, अब मैं एंट्री मार रहा हूँ उसके घर में, देखूँ किधर है। राजेंद्र राजेंद्र किधर है? ये तो भीतर वाड़े कोठे में घुस रहा है। चलना रहा, अरे लत्ता पहन ले जल्दी, चल यार। यू है राजेंद्र भाई, अभी तो कपड़े भी ना पहने ना, रात रीछ लग रहा है। कपड़े तो पहन ले कमीने, लत्ते पहन ले जल्दी, पहन ले भाई। भाई बहुत मजा आने वाला है, और ये उसका पूरा घर ऐसा दिखता है पीछे से। तो गाइज बने रहिए, आप लोग देखते रहिए, अच्छी अच्छी आपको लोकेशन दिखाऊंगा। वो जो फूफा तुम सबने देखा होगा, फूफा फूफा मेरी बगल में खड़ा है, यो है वो फूफा अक्सर करके जो घनी वीडियो में आकर है। अरे फूफा कुछ बोल दे ना। भाई ये इसका मेन रोल है हमारे ब्लॉग में, अब देखना जाके वहां पे कितना सारा मजा आने वाला है। और ये हमारे पाछे पंडित जी बैठे हैं, मैंने तो बथेरी कह ली पंडित जी दुकान का पोस्टर थोड़ा नीचे करवा ले, पर ना ओसा तो वही सात मंजिल पसंद आवे है, घनी सारी वीडियो में कट जाए यार, फिर नहीं रो भाई मेरा पोस्टर ना आया। अरे आपका तो जब भी पंडित जी, जब अब की बार नीचे लगवा लो पंडित जी, बता दो प्रॉमिस कर रहे हो? पक्का ठीक है भाई, अब की बार पंडित जी का पोस्टर आएगा अगले ब्लॉग में, ठीक है ना। और बहुत अच्छी टेंट की दुकान है हमारे गांव में पंडित जी की, किसी भी प्रकार के भगोने बर्तन चम्मच फम्मच खोजा तो कोई टेंशन ना है, आधे पैसा भी काम चला दे है। गाइस अब हम सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, और हमने छाता क्रॉस कर लिया है। एक शहर पड़ता है हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर, और ये वही की लोकेशन है छाता की। मथुरा हाईवे है ये, आप सब लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा एंजॉय आ रहा है यहाँ पे, बहुत मजा भी आ रहा है। ये देखिए, और यहाँ से है अभी आगरा है, अभी यहाँ से 85 किलोमीटर दूर। अब हम लोग ने एंट्री मार ली है फ्लाई ओवर के नीचे से, कुछ और भी हमारे साथ के बंदे हैं, उनको हमें लेना है साथ में। तो ये है भैया जो हमारे साथ के बंदे हैं, कितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, दुर्गेश वगैरह हैं सब हैं। आजो आजो आजो। और ये देखो जी, ये है मथुरा हाईवे, और एक नंबर के एक टेम्पो हमारे भां भां सुथरे से करते जा रहे हैं, और इस टाइम हमारी गाड़ी की स्पीड हो रही है जी 80। थोड़ी देर पाछे यो पहुंच जाऊंगी 100 पे, और चालन दो भाई धुआंधार। पर गाइस मैं आपको उनसे भी रूबरू करा दूं जो इस वक्त गाड़ी में बैठे हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, जो बीच वाले शख्स बैठे हैं फूफा, और यो बगल में है राजेंद्र, ये हमारी मौसी जी के लड़के हैं, और पीछे मौसी बैठी है, मौसी ने मुंह खुला रखा है, दही जमा रखी है मुंह में, वो तो बोल ही ना रही मौसी। अरे दही जमा रखी है मुंह में, बोल तो जा। बस खाली मौसी तो ओए कर रही है ओए। भाई देखते हैं मौसी को गुस्सा आ रहा ज्यादा, काफी लेट हो गए हैं। और भाई मौसी ने फुला रखा है मुंह, दही जमा रखी है, फूफा और मौसी बैठे, देखो भाई दोनों देखेंगे, आप जो कुछ होगा देख लीजिए आगे। अब तो आगे चल के पेप्सी लेंगे मौसी, 2 लीटर वाली लिमका या फ्रूटी, कौन सी लगी बता, बता तो दे। भाई NS2 हाईवे चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है चलने में, ठीक है आप बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। अगला जो गांव आएगा उसका भी ब्लॉग दिखाऊंगा तुम्हें।